न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं डीएन घाट आसुसो नॉर्थ पॉइंट सुधा है श्री बालाजी पे मोबाइल हॉस्पिटल गुरु गोपीराम हॉस्पिटल मोहन द फैमिली ब्लेस हॉस्पिटल मार्ग हीरापुर थाना इलाके के रहमत नगर की चासा पट्टी से बहने वाले एक बड़े नाले में एक युवक की लाश पाए जाने से सनसनी फैल गई। इस युवक की पहचान आसनसोल रेलपार निवासी जाहिद अख्तर के तौर पर की गई है। इसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। वह 15 मई से लापता था। घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की खबर थाने में दर्ज कराई थी। गुरुवार को बंटपुर के रहमत नगर इलाके के चासा पट्टी निवासियों ने देखा कि नाले में एक लाश पड़ी है। इलाके के लोगों ने इसकी सूचना हीरापुर थाना पुलिस को दी, साथ ही घर वालों को भी दी, क्योंकि घर वाले जाहिद की खोज में रहमत नगर में भी आए थे। बहरहाल पुलिस ने नाले से लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि जाहिद की हत्या की गई है। जाहिद के भाई शाहिद ने बताया कि लाश पर कई चोट के निशान हैं। उन्होंने पुलिस से जांच कर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इसका जीभ निकला हुआ है, गर्दन में चोट है, पूरा बॉडी में मार्क है, ब्लेड का निशान है, बहुत बुरी तरीके से इसको मारा हुआ है ऐसा लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी से झगड़ा कर ले या कुछ कर ले, बहुत शांत मिजाज का रहने वाला है। और हम लोगों को तो हर ऐसा चीज़ को हर ऐसा मतलब लीगल चीज़ को हम लोग किए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद ना मिलने के कारण हमको लग रहा है ऐसा हुआ है। आपका नाम स्टेप क्या होगा आगे? आगे स्टेप होगा कि हम लोग जहाँ तक हम लोग को इंसाफ के लिए जाना होगा हम लोग जाएंगे। आप कौन है? हम उसके छोटे भाई हैं, शाहिद अख्तर, शाहिद अख्तर। और हम जितने भी मतलब कि प्रशासन या कोई भी यहाँ के हम लोग चाहेंगे हम लोग को हेल्प मिले। सुबह हम लोग खबर आया कि एक बॉडी मिला है चासा पट्टी में, आप लोग शनाख्त के लिए आइए। हम लोग देखने आए, चेहरा से तो पहचाना नहीं आ रहा, लेकिन कपड़ा और बाकी चीज बेल्ट उससे समझ में आ रहा, इस तरह का चेहरा फूला हुआ है अब देखे। लेकिन बॉडी जो है लगता है कि मारा हुआ है, मर्डर कैसे अब इसको पुलिस बताएगी क्या है ये, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। कब से लापता? शाम 5:30 बजे से 15 तारीख को, और उस दिन से हम लोग पूरा मतलब पूरा अपने तरफ से पूरा फुल जिस जगह पे लाश मिला इस जगह पे हम लोग दिन में 4 से 5 बार आते थे, लेकिन नहीं, लेकिन आज अचानक से खबर इस जगह पे मिल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है जी, मर्डर क्या हुआ? हाँ ये मर्डर, हम लोग 100% श्योर है कि ये मर्डर। अरे ये ऐसा नहीं है। क्या नाम था जो डेट किए? जाहिद अख्तर। कितना उम्र था? 38। कहाँ का रहने वाला? रेल पार मुसद्दी मोहल्ला रहने वाले। आप कौन लगते हैं उनके? हम उनके बड़े भाई हैं। आपका नाम? हमारा नाम नाहिद अख्तर। बहरहाल घटना की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई, लोगों का जमावड़ा लग गया। चासा पट्टी में लाश कैसे आई ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम सुबह में सोए हुए थे तो मेरे बगल वाले घर से कोई लेडीज का आवाज आ रहा था, तो उन्होंने मेरे बहन को आवाज़ दिया, बोला कि एक तो बॉडी पीछे में है कोई आदमी का, तो हम जल्दी से सो के जल्दी में उठे और आके देखें तो एक आदमी मतलब गिरा हुआ था, मतलब बॉडी मतलब आ रहा था इधर बह रहा था। तो फिर हम तुरंत थाना में फ़ोन किए, उसके बाद फिर आप और सब आदमी लोग आया। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि गुरुवार को ही कोलकाता हाईकोर्ट ने अभिषेक को सीबीआई की जांच में सहयोग करने को कहा। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा रॉय ने नियुक्ति घोटाले में केंद्रीय एजेंसियों के सामने पेश होने का आदेश दिया, साथ ही अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस संबंध में पूछे जाने पर अभिषेक ने कहा कि वे जांच में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सीबीआई और ईडी को लेकर सवाल भी उठाया। আর এই যে অভিযোগ আমি করেছি 29 মার্চ শহীদ মিনারের ময়দান থেকে, একই দিনে ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা ভারতবর্ষের সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের কনক্লেভ ছিল, সেখানে বলেছে যে হ্যাঁ সিবিআই আমাকেও প্রেশারাইজ করেছিল নরেন্দ্র মোদীর নাম নিতে, বলেছিল নরেন্দ্র মোদীর নাম নাও। এটা আমি বলছি না, ভারতবর্ষের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সর্বভারতীয় প্রাক্তন সভাপতি অমিত শাহ বলেছেন, তিনি বলেছেন যে আমাকেও প্রেশারাইজ করা হয়েছিল যে নরেন্দ্র মোদীর নাম নাও তাহলে আপনাকে ছেড়ে দেবো। সুতরাং আমি যে কথা বলছি যে ইডি যে সিবিআই যেভাবে রাজনৈতিক নেতাদের কথায় চলে তাকে মান্যতা দিয়েছে ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সুতরাং আমি ঠিক বলছি না ভুল বলছি এটা মানুষ বিচার করবে।
এবং আমি প্রথম দিন থেকে যা বলেছি আমি আজও তাই বলছি যে আমার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক চেষ্টা করেছে, ইডি, সিবিআই, এসএফআইও, ইনকাম ট্যাক্স সবই তো আপনাদের অধীনে রয়েছে, আপনারা লাগান। আমি তো বলেছি আমার বিরুদ্ধে কোনো তদন্তকারী সংস্থা লাগাতে হবে না, আপনি একাতে প্রমাণ দিন আর একাতে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করুন, আমাকে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন, আমাকে দিয়ে উদাহরণ কায়েম করুন যাতে আগামী 200 বছর এরকম ভাবে কেউ কোনো রকম দুর্নীতিতে লিপ্ত না হতে পারে বা দুর্নীতির সাথে যোগসাযোগ রেখার সাহস না দেখাতে পারে। আমাকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করুন, আমাকে ফাঁসির মঞ্চে তুলুন, আমি তো বারণ করি, একাতে উদাহরণ দিন, একাতে আমার আমার মৃত্যুবরণের দায়িত্ব আমার। আমি তো বলছি আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, আমি আজ থেকে 3 বছর আগে 2020 সালে যেটা বলেছিলাম আজও আমি আমার অবস্থানে কার্যত অনড়, এবং যে কোনো বিচার ব্যবস্থায় মানুষের উপর আস্থা থাকবে, সমাজের এটাই রীতিনীতি নিয়ম, আমাদেরও সম্পূর্ণভাবে বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা রয়েছে, এবং আগামী দিন আমি ডিভিশন বেঞ্চে বা সুপ্রিম কোর্টে যাব, যাবো তো কার্যত নিশ্চিত, তার কারণ এটা আমার অধিকার, এবং আমার উপর যে কস্ট ইম্পোজ করা হয়েছে, যে আদালতের সময় নষ্ট করা হয়েছে বলে 25 লক্ষ টাকা কস্ট ইম্পোজ করা হয়েছে, যারা কথায় কথায় গিয়ে বিআইএল করে মিটিং করা হচ্ছে না বলে আদালতের সময় নষ্ট করা হয় তাদের উপর কোনো কস্ট ইম্পোজ করা হয় না, যাদের কনভয়ে মানুষের মৃত্যু হয় এবং গিয়ে কোর্টের থেকে প্রোটেকশন চাওয়া হয় তাদের উপর কস্ট ইম্পোজ করা হয় না। আমি আমার অধিকারকে সামনে রেখে আচার বিচার ব্যবস্থার দ্বারস্থ হয়েছি বলে আমার উপর কস্ট ইম্পোজ করা হয়েছে, আদালত যা রায় দিয়েছে আমি মাথা পেতে নিয়েছি, এবং আগামী দিনও আমি বিশ্বাস করি যে বিচার ব্যবস্থার উপরই সমাজ টিকে রয়েছে এবং দেশ টিকে রয়েছে, তাই আগামী দিনেও বিচার ব্যবস্থার উপর ভরসা করে আমি ডিভিশন বেঞ্চ বা সুপ্রিম কোর্টে যাব। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा आसन। अरे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसन। भी प्रमुख सुविधाएं यहां आप पाएंगे, इको कार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन यहां मिलता है, विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट, तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, बीएनआर मोड और एसपी ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल ज्योति। आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में जब सुगम पार्क रिहायशी अपार्टमेंट बनाया जा रहा था तो लोगों ने इसमें काफ़ी रुचि दिखाई थी और दूर दूर से लोग आकर यहाँ फ्लैट खरीदने और वास करने लगे थे, लेकिन अब ये लोग लगातार किसी न किसी समस्या से दो चार होते रहते हैं, कभी बिजली तो कभी पानी तो कभी अगजनी या फिर लिफ्ट की समस्या। एक बार फिर से सुगम पार्क के फ्लैट मालिक पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। बुधवार की रात मोटर खराब हो जाने के कारण अपार्टमेंट के ऊपरी टंकी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे टैंकर के जरिए यहां पानी मंगवाया जा रहा है। जो सुविधाओं के लिए सुगम पार्क आए थे अब उन्हें बाल्टी बाल्टी पानी ढोना पड़ रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं, सभी को बाल्टी से पानी ढोना पड़ रहा है। जो लोग ऊपर की मंजिल पर हैं उन्हें ज़्यादा तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। फ्लैट ऑनर का कहना है कि सुगम पार्क डेवलप करने वाली कंपनी हम लोगों से सहयोग नहीं करती है। प्रत्येक दिन ही तो मैक्सिमम जल ही थक चला।
জল থাকছে না, ডিজির প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক করলে ঠিক হয় কিন্তু ইয়ে করছে না। মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন ট্যাক্স নিচ্ছে, এডিডিএ ট্যাক্স নিচ্ছে, এই ট্যাক্স নেওয়ার পরেও আমাদেরকে এত হাইফাই অ্যামাউন্ট ট্যাক্স নেওয়ার পরেও ট্যাক্স দিচ্ছি, তারপরেও এই অবস্থা। যদি হয় তাহলে আমার মনে হয় হাই রাইজে না থাকাই ভালো, গভর্নমেন্ট পলিসি চেঞ্জ করুক, ঠিক হোক। জলটা না পাওয়ার কারণ কি, মানে জল আসছে না, না মেশিন খারাপ? মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সেটা আমার থেকে ভালো বলতে পারবে। লাইট নিয়ে সুগমে আজ 6 মাস হয়ে গেল, মানে ইলেকট্রিক লাইন, জলের অসুবিধা অসম্ভব। আমরা বারবার জল কিনে খেতে হচ্ছে আমাদেরকে, জল বাইরে থেকে নিয়ে আসছি। জলের কথা বললে এরা বলছে যে আমাদের পাম্পটা জ্বলে গেছে বা খারাপ হয়ে গেছে। তো আমরা তো জিজ্ঞেস করেছি যে আপনাদেরকে একটা এত বড় সোসাইটি থেকে একটাই পাম্প কাজ করছে, তো এই কোনো স্টাফের নাম আছে? না, সবগুলো একসাথে জ্বলে গেছে। তো এই যে ইলেকট্রিক বিলটাকে আমাদের নিয়ে নিচ্ছে, আমাদের জল দেওয়া হচ্ছে না, মেনটেন্যান্স দেওয়া সত্ত্বেও যদি এই সুযোগ সুবিধাগুলো থেকে আমরা মানে আমরা দূরে সরে থাকি তাহলে কি করে চলবে? আচ্ছা, বাসের তো সুবিধা বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে, মধ্যে মধ্যে আমাদের লিফটও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, সুইমিং পুল কাজ চলছে না, লিফটের লাইট জ্বলছে না, ইলেকট্রিকটা ভেঙে যাচ্ছে, জিম বন্ধ রয়েছে। তো এই জলটা আনছে নিচে থেকে এই সিনিয়র সিটিজেনরা, বয়স্ক লোকেরা, এটা কিভাবে দেখছেন আর কি, কতটা কষ্টের বিষয়? দেখুন, একটা সিনিয়র সিটিজেনের পক্ষে, একটা 80-90 বছরের মানুষের পক্ষে বালতি হাতে করে নিচ থেকে জল তোলাটা অসম্ভব, অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এরা বলছে যে আমরা তো ট্যাঙ্কি ডেকে দিয়েছি, এরপরে আপনারা বুঝে নিন। ওনাদেরকে ফোন করে বলছে আমরা তো থাকছি না, আমরা তো আউট অফ স্টেশন। তাহলে তোমরা যখন আউট অফ স্টেশন থাকছো, তোমাদের সোসাইটিতে তোমরা সোসাইটির দায়িত্ব নিয়েছো, অথচ তোমরা আউট অফ স্টেশন থাকছো, সেটা কি করে চলবে? আর ইলেকট্রিকের সমস্যা, জেনারেটর তো কবে থেকে কেটে দিয়েছে, মেইনটেনেন্স যারা দিচ্ছে তাদেরটাও কেটে দিচ্ছে, যারা দিচ্ছে না তাদেরটাও কেটে দিয়েছে। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के सेकेंड इन कमांड अभिषेक बैनर्जी ने बुधवार को पांडेश्वर के लावदोहा में एक सभा की थी, और उस सभा में पांडेश्वर के पूर्व विधायक तथा अब बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी का बिना नाम लिए उन पर हमला किया था, उन्हें कोयला चोर और माफिया तक कहा था। अभिषेक की इस बात पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। गुरुवार को बीजेपी विधायक लखन गोरोई के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दुर्गापुर के सिटी सेंटर और सर्विस रोड को गंगा जल से झाड़ू के जरिए धोया, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी इसी रास्ते से होकर पांडेश्वर गए थे। लखन गोरोई ने तृणमूल नेता अभिषेक बैनर्जी के आरोपों को निराधार बताया। लखन ने कहा कि अब जब भी अभिषेक जहाँ जहाँ जाएंगे, हम ऐसे ही उस रास्ते को गंगा जल से धोएंगे। যে পিসির ভাইপো বাংলায় বেরিয়েছেন, আর সেই বড় চোরটা দুর্গাপুরে এসছে, বড় কথাবার্তা বলছেন যে বিজেপি নাকি কয়লা চোর, আর সব থেকে পিসির ভাইপোটা বড় বাংলা কয়লা চোর, এটা বাংলা মানুষ সকলে জানেন। ভাই দুর্গাপুরে মাটি পা দিয়েছিল, দুর্গাপুরে কয়লা চোরের কোনো স্থান নাই। दानापुर स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड गोधुली। अति दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार? चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहां आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट।
सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल खागरवोड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसुस। एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल, यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड। इस बार गर्मी ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। सुबह से ही तेज धूप और पारा अधिक होने के कारण लोग हल्कान महसूस कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में बादलों के आने से थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन कल से लोग काफ़ी गर्मी महसूस कर रहे थे। आज भी लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद तेज आंधी और बारिश होने लगी, वज्रपात भी होने लगा। साथ ही पहली बार लोगों ने ओला गिरते हुए देखा। मौसम ने जिस तरह से करवट ली, उससे लोगों ने राहत महसूस की। शाम को मौसम सुहावना हो गया, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दोपहर का तापमान 42 डिग्री से 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही लू चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रहर के ब्लेस हॉस्पिटल ऑन द फैमिली शो विघ्नेश्वरा मार्बल घाट आसुसो नॉर्थ पॉइंट सुधा है श्री बालाजी पे मोबाइल हॉस्पिटल गुरु गोपीराम हॉस्पिटल।